बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। जैसे कल से कुछ YouTube के साथियों ने हमारे जो है वीडियो जो है अनवल हाई कोर्ट में केस को लेकर के किया, बताया है आप लोगों को कि कोर्ट में जो है केस गया था और फिर उसकी डेट बहुत आगे की मिल गई है, सुनवाई कैसी हुई, इसको लेकर के तमाम आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आ गया। और कन्फ्यूजन के बाद लगातार आप लोगों का जो है कमेंट और ये सब कुछ मैं देख रहा था, लेकिन मुझे वक्त थोड़ा, क्योंकि कोर्ट अब मेरे लिए भी अभी खुली है और एज ए कोर्ट ऑफिसर बहुत सारा कार्य हमें भी देखना पड़ता है, तमाम चीज़ों के बीच में आप लोगों के बीच में आने में असमर्थता। फाइनली आज जो है कल के केस की सारी सुनवाई क्या हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो लोग भी कह रहे हैं, जो भी वाट एवर दे आर सेइंग, बट बहुत बड़ी चीज़ हुई है अनवल कोर्ट के अंदर। इसे कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको समझा सकता हूं और आप इसे समझ पाएंगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि अनवल कोर्ट ने इंटरटेन किया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जहां तक डेट की बात है, ये डेट जो है ना, ये ऐसा नहीं होता है कि आप डेट चेंज नहीं कराते हैं, अर्जेंट मेंशनिंग होता है, मेंशनिंग होता है, कोर्ट की तमाम प्रक्रियाएं होती हैं जिसके जरिए आप अपने इस केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। तो इसमें अनवल कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ी चीज़ की कर दी है और ये मामला पूरा जो कोर्ट केस का, हालांकि मैं आपको बताऊं कि 8 PIL 8 केसेस इस भर्ती के ऊपर, 8 केस जो हैं सिर्फ बिहार में है, 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं और तमाम चीज़ों के बीच में ये भर्ती जो है अपने अपने अलग अलग करवट लेके जा रही है। इस बीच में भर्ती की दशा और दिशा को लेकर के आप लोग परेशान हैं और लगातार आप लोग बात कर रहे हैं। चलिए सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल, और पूरे कोर्ट का लाइन ऑफ फॉलोअप आपको लास्ट डेट तक देता रहूँगा कोर्ट के अंदर और बाहर से। लेकिन आप सबसे एक निवेदन जरूर करूँगा, चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, आज तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार, मोटिवेशन बना रहता है और आपका पैसा तो लगता नहीं है, आप तो टीचर बनने वाले हैं, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलिए बात करते हैं क्या हुआ है कोर्ट में। देखिए ये बात ये है कि ये जो केस की सुनवाई हुई है ये था हाई स्कूल के टीचरों के द्वारा किया गया था कि उन्हें नियोजित से डायरेक्ट सरकारी मास्टर बनाया जाए, ठीक है। लेकिन इसका मामला जो है ना बहुत बहुत तरीके से अटैच होता है कि अगर ये मामला सिद्ध हो जाए, अगर ये मामला कोर्ट मान लेता है, जो कि मान लेगा, मान रहा है कोर्ट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या है कोर्ट के अंदर। लोग हवा में बात कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे कोर्ट के अंदर हुआ क्या है, कोर्ट के जजमेंट के मायने क्या है। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन पदों पर पड़ जाएगा जो पद जो हैं 9 से 10 वाले, यार यही नियम इम्प्लीमेंट होकर के आपको पता है कि हाई कोर्ट का एक आदेश सारे सारे फैसलों पर प्रभावित हो जाता है जब तक कि उसको बदला ना जाए। तो ये 1 to 5 में भी पद खाली हो जाएंगे, नियोजित बाहर हो जाएंगे इसमें से, और सिर्फ जो शिक्षक रह जाएंगे अपने 4 साल के जो बच्चे हैं जो आप लोग इंतजार करें उनके लिए पद बच जाएंगे। इस मामले में ये फैसला देखना चाहिए, इस मामले में इस केस को देखना चाहिए कि अगर अनवल कोर्ट इस बात को मान लेती है तो नियोजित साथियों की दावेदारी, उनको सीधा नौकरी मिल जाएगी सरकारी, लेकिन आपके पदों में उनकी हिस्सेदारी खत्म हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं मामले में हुआ क्या। देखिए तमाम पक्षों के बावजूद आप लोग को, आप लोग खुद शिक्षक हैं, एक बात बताता हूँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कभी भी किसी केस को ऐसे नहीं सुनते हैं। यकीन कीजिए जब तक, अब आपको समझ में आएगा, एक कोर्ट में केस फाइल कर लेना और उसको टेबल पर लेके आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन कोर्ट में जज साहब के सामने वो केस जाना और फिर उस केस को जज साहब के द्वारा एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि 90% केसेस जो होते हैं ना ऑनबल कोर्ट में वो पहले हियरिंग में डिसमिस कर दिए जाते हैं, जिनमें कानून ना हो, जिनमें मेरिट ना हो, जिसके मामले में दम ना हो, जिसके मसौदे में जम ना हो, जिसके मसौदे में, जिसके केस के अंदर कानून के उल्लंघन होना होता होगा ना दिख रहा हो, मामला बनेगा ही नहीं, तो ऑनरेबल कोर्ट सीधा वहीं से पहले डेट से डिसमिस कर देगी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ऑनरेबल कोर्ट ने मामले को एक्सेप्ट कर लिया है, सुनवाई के योग्य मान लिया है, उसे अपने टेबल पे अलाउ कर दिया कि हाँ इस मामले में कहीं ना कहीं कानून की धाराएं उल्लंघित हो रही हैं, कहीं ना कहीं नियमों का पालन ठीक से नहीं हुआ है, इस पे सुनवाई किया जाएगा, यह विचारणीय है, यह रिजेक्ट करने का मैटर नहीं है, यानी कि द ग्राउंड ऑफ द केस इज परफेक्ट फॉर द हियरिंग, समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसे जो कह रहे हैं कि बस कुछ नहीं होगा या कुछ होगा, न्यायालय को कभी हल्के में लेने की कोशिश नहीं कीजिए, न्यायालय ने 6ठे चरण की भर्ती को आज तक रोक के रखा था, तो न्यायालय कुछ भी कर सकता है।
तो यहां पर एक बड़ी बात यह है कि केस के मेरिट को देखते हुए अनबल कोर्ट ने, अनबल जज साहब ने उसे एक्सेप्ट किया है और उस केस को सुनने के योग्य माना है, उसके मेरिट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है कोर्ट पे और सुनवाई की डेट दे दी गई है। सुनवाई की डेट को लेकर के जो लोग बता रहे हैं कि 25 अगस्त या 29 अगस्त डेट दी गई है, उसको लेकर के मैं अभी कन्फर्म नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरी वकील साहब से बात नहीं हुई है जो उस केस को लड़ रहा है। हालांकि हैं हमारे कलीग ही लेकिन मुलाकात नहीं हुई है बहुत सारे लोगों का संख्या, जल्दी ही मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा कि मामले में है क्या और जरूरत पड़ी तो उन्हें, अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें कुछ टिप्स दे दूंगा और अगर मुझसे सीनियर हैं तो मैं उनसे कुछ सीख लूंगा। ये तो हमारे वकालत में चलता ही रहता है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि यहां दो चीजें देखिए, पहला तो ऑनवल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया मामले को। अगर ये मामला एक्सेप्ट हो गया है इसका मतलब कि इसके संवैधानिक दायित्व जो हैं वो कहीं ना कहीं सुनने योग्य हैं। दूसरा केस आप सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने आपको दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है बाहर के राज्य, अन्य राज्यों के साथी जो हैं वो जो उस मामले में जा रहे हैं कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। ये दो केसेस ऐसे हैं जो अभी तक ऑनरेबल कोर्ट के सामने आ गए हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अभी एक्टिव मोड पर नहीं है इस मामले को लेकर के। इसको लेकर के भी मैं जल्दी आप लोगों को एक बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। तो सिर्फ ये कह देना कि केस से कुछ नहीं होगा, केस से कुछ नहीं होगा, ये सब गलत बात है। केस जज साहब ने देख लिया और उसको कह दिया कि हाँ ये सुनने के लायक है, ये अपने आप में केस की मेरिट डिसाइड करता है कि केस में दम है, केस में मेरिट है, बाकी जीतना हारना अलग बात है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप लोगों को पढ़ाई तो करना है, शिक्षक बनना है, बच्चों को पढ़ाना भी है और खुद भी पढ़ना है, तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि BPSC एग्ज़ाम का दामन नहीं छोड़ने वाली है किसी भी तरीके से। एग्ज़ाम तो आपको देना पड़ेगा, अगर आप नियोजित शिक्षक हो गए फिर भी आपको सरकारी मास्टर बनने के लिए, राज्यकर्मी बनने के लिए आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई तो करते रहिए, मैं कभी किसी की पढ़ाई नहीं रोकना चाहता। तो ये है कुल मिला जुला करके अनवल कोर्ट की डिटेल। हाँ ये बात सही है कि अभी बाकी के बहुत सारे केस बैक टू बैक आने वाले हैं। अभी 6-8 का केस है, अभी जो है सुपर टेट के साथियों का केस है, अभी उसके बाद अन्य राज्यों के साथियों का केस है, लगातार 5-6 केस है, उसके बाद प्राइमरी के नियोजित शिक्षकों का केस है, इतने सारे केस है, एज रजिस्ट्रेशन का केस है, अलग अलग इतने सारे केस है इस भर्ती में कि जब तक अभी जो सुनवाई होगी, अभी एक केस डिसाइड हो, एक केस की सुनवाई होगी, अभी तमाम केसेस आने वाले हैं टेबल पर। इंतजार कीजिए, आपको सारे अपडेट्स में टाइम टू टाइम देता रहूंगा। आपको बस चैनल से जुड़े रहना, मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।